एक समय था कि बड़ा शौक था मुझे कि एज ए कंपोजर काम करूं, बहुत शौक था। वो नशा ऐसा उतरा मेरा कि पूछो मत, ऐसा उतरा मेरा नशा भाई साहब कि पूछो मत। तो जगजीत अंकल ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, लेकिन वो जानते थे कि इस रास्ते पे इसको चलने दो, इसको मज़ा लेने दो, थोड़ा पता चलेगा तो फिर वापस आएगा। तो उन्होंने, उनके सर्कल में तो खैर कौन नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कुछ बड़े लोगों को उन्होंने बोला कि बड़ा अच्छा काम करता है, इसे कराओ। पहुँचा मैं, म्यूजिक सिटिंग हुई, तो जो डायरेक्टर साहब थे, एक बार और गाओ, क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, नाइसली रिटन एंड वेरी वेल कंपोज, यू सब कुछ हो गया। एक बार गा दी, दो बार गा दी, तीन बार गा दी, चार बार गा दी, अभी गला दर्द होने लगा। अच्छा, मेरा वो नहीं है कि सिटिंग मतलब आप 40 म्यूजिशियन ले जाओ, वो मेरा तामझाम नहीं है। सिटिंग मतलब आपको कंपोजिशन सुननी है, वर्ड सुनने, वो हारमोनियम पे सुनो आप, वो उसके लिए तामझाम नहीं चाहिए। मैं इस तरीके से करता हूँ। तो खैर, अब तो वो भी बंद कर दिया, अब तो ये है, ये लेके जाओ। एनीवेज, तो अब कोई चाय लेके आया तो उसको बिठा दिया, हाँ एक बार फिर से गाइए, तो एक्साइटमेंट, फिर से गाया, फिर कोई फाइल लेके आया तो हाँ एक बार और गाइए, उसको बिठा दिया, फिर कोई फ़ोन लेके आया उसको बिठा दिया। तो मैंने बोला, अभी साहब ऐसा है कि मेरे गला थक गया अभी मेरा, आपको जितने लोगों को बुलाना है एक साथ बुला लीजिए, मैं फिर से गा दूंगा, बट अभी मेरा गला बंद हो रहा है। नहीं, आप समझते नहीं है, जनता जनार्दन होती है, जब आप गाते हो तो मैं इनके रिएक्शंस देखता हूँ कि इनका रिएक्शन क्या है। मैंने, आपको पता है ये आदमी कितना परेशान शक्ल से लग रहा है, ये जो फाइल लेके आया है, हाँ इसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या चल रही है, ये मेरा गाना क्यों सुनेगा ये, या इस कंपोजिशन को क्यों सुनेगा वो, ये डिसीजन आपका है, आपको कैसा लगा? बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को पब्लिक का वो रिएक्शन देखना है कि उनको उनको कैसा लग रहा है। तो मैंने, एक काम करिए, आप शिवाजी पार्क में मेरा एक प्रोग्राम रख लीजिए, 75,000 लोगों को बुला लीजिए वहाँ पर, और सबके रिएक्शन देखिए, उसके बाद फिल्म करेंगे। तो वो भड़क गए मेरे पे, भड़क, बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, बोले आपको बात करने का तमीज़ नहीं। वो बात करने की तमीज़ की बात नहीं कर रहा मैं सर, मैं आपको बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, आपको ठीक लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर ख़त्म करिए ना। आप 10 लोगों को पूछेंगे, वो कुछ पूछा चाय लेके आया, उसको क्या म्यूज़िक से मतलब है, नहीं यही लोग तो खुश होने चाहिए, तो मैंने इनके लिए फिर ऐसा म्यूज़िक बनाओ, आप लाल टमाटर टाइप का म्यूज़िक बनाओ, है ना, फिर ऐसा मत सोचो ना कि सूफीज़म होना चाहिए, होना चाहिए, वो मत सोचो ना, फिर उनको मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। खैर, मैं बात करते करते मेरा हारमोनियम पैक करने लगा, तो ये क्या कर रहे हो, मैंने बस हो गई सेटिंग, बस कर ली फिल्म, आइंदा से मैंने बोला मैं कभी नहीं आऊँगा आपके पास, ना आपको फ़ोन करूँगा कभी। खैर, फ़ोन तो मैंने किया भी नहीं था, वो तो जगजीत जी ने कोऑर्डिनेट किया था। गया, उससे पहले उन्होंने जगजीत अंकल को फ़ोन कर दिया था कि लड़का बदतमीज है और ये है वो है। अब अंकल मेरा नेचर बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है कि क्या हुआ होगा, तभी वो मेरे को बोल रहे थे जाके जाके देखो क्या होता है। ठीक है, तो मेरे को फोन आया, हाँ भाई, मैंने, हाँ अंकल, हो गई सेटिंग, निकल गई सारी हेकड़ी, मैंने बस निकल गई सारी हेकड़ी, हंसने लगे, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो हर बात के बाद वापस एक बात बोलते थे कि जिस रास्ते चल रहे हो ना उस रास्ते ही चलना, भटकना मत, दुनिया कदमों में आती है तुम्हारे, अगर तुम स्ट्रांग होते हो ना और अपने काम पे तुमको अकीदा है, विश्वास है, और इसलिए मत काम करना कि इस काम से मुझे ये मिलेगा या ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, या उस, वो कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। डू योर वर्क प्रॉपरली, जो तुम्हारी औकात है, जितना तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है चीज़, वो निकाल दो अपने अंदर से, समय को मत देखना कभी, घड़ी मत देखना काम करते समय। तो ये ऐसा बचपन से बैठा है, पिताजी की तरफ से भी, मम्मी की तरफ से भी, जगजीत अंकल की तरफ से भी, कि मैं कितनी बार, मेरे जो साउंड इंजीनियर हैं सेतु रमन जी, एक टाइम था कि हम सुबह 11-12 बजे काम शुरू करते थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6-7 बज जाते थे, और पता नहीं चलता था कि सुबह के 6-7 बज गए। कितनी बार मैं स्टूडियो में सोया हूँ, महीनों स्टूडियो में सोया हूँ, मैं घर जाता ही नहीं था। ये पागलपंती ज़रूरी है सर, पागलपंती नहीं, ये पैशन, मतलब आपको बेइंतहा इश्क होना चाहिए अपने काम से।